नमस्कार, मैं प्रिया कायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट आई न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्र के हित में यानी राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित कार्यक्रम में आज का मुद्दा है संविधान से जुड़ा हुआ। हमारा देश भारत में संविधान लागू हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी देश में संविधान ठीक से लागू नहीं हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं धर्म को बचाने के नाम पर अपराध और हिंसा की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि आज देश जब आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत उत्सव बना रहा है, तो वहीं संविधान का उल्लंघन भी हो रहा है। देखिए हमारी इस ये खास रिपोर्ट में। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। वो संविधान जो सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके बावजूद देश के 73 साल बाद भी संविधान ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलिए आपको कुछ घटनाओं के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। देश में लोग किसी मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना है, अपनी नाराजगी जाहिर करना है या अपनी बात रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 में संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी, बवाल और दंगा करने की कोशिश को इजाजत नहीं दी गई है। जब तक कोई विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है तो वह संविधान के दायरे में आता है, लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पथराव, तोड़फोड़ करता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है और कानून को अपने हाथ में लेता है, तो वो विरोध प्रदर्शन असंवैधानिक हो जाता है। यह उस संविधान का उल्लंघन है जो सभी नागरिकों शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन समेत सभी मौलिक अधिकार देता है। संविधान अनुच्छेद 19 का उल्लंघन ये कहकर किया जाता है कि हमारे पास मौलिक अधिकार है, यानी बोलने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगा, बवाल, आगजनी और पथराव करना भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत अपराध है। इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि सरकार का कोई कदम संविधान के खिलाफ है तो उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। इसको लेकर सरकार और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून का राज चलता है। कानून से ऊपर ना सरकार है, ना संसद है और ना ही न्यायपालिका। लेकिन लोग संविधान बचाने की बजाय खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। देश में हर व्यक्ति के पास अपना धर्म और अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण रोधी कानून जो बनाया गया है, ये कानून धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा के खिलाफ है जो संविधान का बुनियादी ढांचा मानी जाती है। ये न केवल व्यक्तिगत फैसले की निजी स्वतंत्रता का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है, बल्कि व्यक्ति के सम्मान को भी कम करता है। ये कानून निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। धर्मांतरण रोधी कानून संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करता है या उसकी पसंद है, लेकिन बिना किसी जबरदस्ती के कोई किसी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन करता है, तब यह उसकी पसंद है, और कोई व्यक्ति फिर से अपने पहले धर्म में लौटना चाहता है तब भी ये उसकी पसंद है। हिंदू विवाह कानून सहित सभी धर्म के पर्सनल कानूनों में ये बात कही है कि अगर किसी भी तरह के धोखे से या पहचान छुपाकर शादी की गई है तो वह शादी रद्द कर दी जा सकती है।
इस बारे में कानून है और भारतीय दंड संहिता में भी ये प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद देश में धोखे से अपनी पहचान छिपाकर शादी की जा रही है। देश में एक समुदाय लोगों को धोखे में रखकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जिसके संविधान का उल्लंघन होता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और ये साबित करता है कि संविधान देश में ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे देश में प्रशासन, शासन और लोगों को संविधान ठीक से समझें और उसे ठीक ढंग से लागू करने की कोशिश करें, ताकि संविधान को देश में बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देश में जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में संविधान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ।